Okay, so what's up guys, and in this video we're gonna do something for the very first time. Now teen char logon ne Instagram pe mujhe sirf video bheji thi ki dekhne ko ki dekho bro, and I thought ki why not just sirf dekhu hi na aur reaction bhi do is pe for the first time. So this is the first time I'm watching this song. I know काफी time हो गया आए को, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ और देखता हूँ क्या thoughts आती हैं देखते देखते, right? And all right. और बिल्कुल रॉ ओपिनियन होने वाला है. मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको पहले देखूं और एक ओपिनियन बना लूं या स्क्रिप्ट सोच लूं कुछ क्या बोलूंगा. नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम. हर रिएक्शन जो भी होगा पहली बार होगा. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. हाय मैम. हेलो सर, हाउ आर यू? वी आर फाइन. Actually, we want to join your gym, so can you please tell me what are the formalities? Yes, sure, sir. I am here for my master trainers. Yeah, sure. Up to you. आइए मैं आपको मास्टर ट्रेनर से मिलाती हूँ. यहाँ पे गुरु मान जी हैं मास्टर ट्रेनर. मास्टर ट्रेनर क्या होता है आगे बात करेंगे. ये साइन अप के लिए आ गए. हेलो, आइए बैठ. चलिए आपका मैं फॉर्म भर देता हूँ. थैंक यू सर. आपका नाम और एज? सर विकास, एज 19. कितना टाइम हुआ जिम जाते हुए? सर 6 मंथ के लिए ज्वाइन किया था बट रेगुलर नहीं रह पाया. 19 साल का लौंडा है, 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था लेकिन रेगुलर नहीं जा पाया. बहुत काम होते होंगे ना, इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, स्नैपचैट भी चलानी होती है. डाइट कैसी है आपकी? डाइट कैसी है आपकी? लॉयल है कि चीटिंग करती है? कैसी है गर्लफ्रेंड आपकी, मेरा मतलब डाइट आपकी? सर भूख ही नहीं लगती. कितने बजे सोते हैं आप? सर यही 2 बजे तक सो जाते हैं बट उठते कब हैं? 10-11 बजे तक उठ जाते हैं सर. 2 बजे सो के 10-11 बजे उठ जाता है लौंडा. बड़े बाप की औलाद है. गालियाँ नहीं पड़ती यार तुम लोगों को, है कैसे उठ जाते हो तुम 10-11 बजे? मैं तो 8 बजे तक सोता था जब, तो भी मेरे को गालियाँ पड़ती थी. और आपके फिटनेस गोल्स क्या है? सर आई वांट बिग बाइसेप्स लाइक यू. बिग बाइसेप्स? बाइसेप्स भाई बिग बाइसेप्स चाहिए तुझे बस बिग बाइसेप्स. जिम तो तू जाता नहीं बिग बाइसेप्स, हैवी तो उठाता नहीं. ओके ओके ओके, गुड. द वाइब ऑफ द सॉन्ग इज गुड. बिग मतलब एक ऐसा सॉन्ग है जो जो आप रिपीट कर सकते हो, मतलब आपके मुंह पे चढ़ जाएगा. स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक ऐसा है कि आपके मुंह पे चढ़ जाएगा, बोलने लग जाओगे आप. जिम तो तू जाता नहीं, हैवी तो उठाता नहीं. सो आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट हेयर कि बाइसेप्स ट्रेनिंग के लिए आपको ज़्यादा हैवी उठाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको बाकी चीज़ें जो आपके कंपाउंड लिफ्ट्स हैं, बेंच प्रेस है, शोल्डर प्रेसिंग है, स्क्वाट्स हैं, डेड लिफ्ट्स हैं, ये आप हैवी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन बाइसेप्स स्पेशली नेचुरल ट्रेनिंग में मैंने ये देखा है कि यू डोंट नीड टू गो वेरी हैवी. मतलब आप हमेशा 8 के ऊपर रेप रेंज में काम करो, यू विल ग्रो बेस्ट. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है, जब मैं बाइसेप्स को मैंने अपर रेप रेंज में इनफैक्ट ट्रेन किया 12 से लेकर 20 में, दे ग्रो रियली वेल, राइट. सो बाइसेप्स के इसमें अपने जॉइंट्स को ज़्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है. मॉडरेट रेप रेंज में काम करो और 8+ रेप रेंज में काम करो. ढंग से तो खाता नहीं बिग बाइसेप्स, सुबह उठ पाता नहीं बिग बाइसेप्स. बिग बाइसेप्स भाई बिग बाइसेप्स चाहिए तुझे बस बिग बाइसेप्स. का एनाबॉलिक लिखा हुआ है, तो बेसिकली सिंपली इट मींस के वो कोई स्टेरॉइड ले रहा है, टेबलेट ले रहा है, जो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं. लेकिन कोई इतना ओपनली वैसे लेता नहीं है, पर लेते भी होंगे कई जिम्स में. मैंने जहाँ तक मैंने देखा है वो इतना ओपनली कोई नहीं लेता है, लोकर रूम में जाके लेते हैं. आज के इस यूथ को चढ़ा कैसा भूत, तो पूरी मेहनत करते नहीं, अपनाते शॉर्ट रूट को, लोगों को डराने लड़की को पटाने लिए, लोगों को पीटने के लिए, लड़की को फंसाने के लिए. हाँ, इसमें सच्चाई तो है. काफ़ी लोग, क्योंकि
टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, यू नो दे स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स कि हमारी बॉडी ऐसे हो जाएगी, हमारे ऊपर तो लड़कियाँ मरेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यूजली दिखाया भी ऐसा जाता है कि पहले मैं मोटा था, पहले मैं ये था। जब ट्रांजिशंस रील्स भी आप देखते हो, अब लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं क्योंकि मैं अब इतनी फिजिक हो गई है मेरी, मैं इतना सेक्सी। नो नो नो, लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक्चुअली होता क्या है, बहुत ही शैलो किस्म की लड़कियां जो होंगी वो सिर्फ आपकी फिजिक के ऊपर के बेस पे आपके साथ रिलेशन में आएंगी, या यू नो दे विल बी योर गर्लफ्रेंड और यू नो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। नो, कोई भी स्मार्ट लड़की है, फिजिक ये बहुत बाद में मैटर करती हैं। आप किस तरीके से बात करते हो, आप कितने स्मार्ट हो, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट गर्ल्स हियर, नॉट द छपरी वंस, नॉट द शैलो वंस, राइट। सो ये चीज़ें सिर्फ लड़की के पीछे अगर कर रहे हो, नो पॉइंट, इज राइट इन दिस। दोस्तों को जलाने लिए बिग बाइसेप्स, इंस्टा पोस्ट पाने लिए, इंस्टा पोस्ट पाने के लिए, हाँ ये बात भी सही है, मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है। आई नो सर्टेन पीपल की जिन्होंने सिर्फ उनका मतलब पर्पस ये था कि फ़ोटो शूट करना है, इसलिए उन्होंने मतलब फैट लॉस किया, ये वो किया, और जब उनका फ़ोटो शूट हो गया, एब्स वगैरह निकल आए, तो दैट वाज एनफ, उन्होंने फ़ोटो शूट करवाया और वही फ़ोटोज़ पूरे साल तक डालते रहे और आम लोगों को इम्प्रेस करते रहे, बिकॉज एक आम फैमिली में लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाह तूने तो बहुत अच्छी फिजिक बना लिया ना, एंड दोबारा उन्होंने कभी जिम का मूवी नहीं देखा। तो यस, पीपल डू दैट। बिग बाइसेप्स भाई, बिग बाइसेप्स चाहिए तुझे, बस बिग बाइसेप्स। तो यहाँ पे लड़का एक लड़की को काइंड ऑफ छेड़ रहा है कि उसको फजूल में एडवाइस दे रहा है, जो यूजुअली होता भी है। लड़के मतलब इस तरह से तो नहीं, लड़के लड़कियों को एक्सरसाइज सिखाने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हालांकि उन्हें खुद भी नहीं आती होती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। गूगल पर सर्च करके बिग बाइसेप्स, लोगों के रिव्यू पढ़ के बिग बाइसेप्स, ट्रेनर से पूछते हैं बिग बाइसेप्स, शॉर्टकट ढूंढते हैं बिग बाइसेप्स, हफ्ते में पाना है बिग बाइसेप्स, 2 इंच बढ़ाना है, हफ्ते में पाना है 2 इंच बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पे मास गेनर दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ मैं बात डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह की इस लड़के की फिजिक है, इसको मास गेनर अगर आप दोगे तो नो, दिस इज़ नॉट गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास गेनर खराब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मे बी आपने पहले ना सुना हो। इस फिजिक पे अगर आप मास गेनर देते हो, इसको मसल गेन नहीं होगा, इसको फैट गेन ही होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे है, ठीक है। लेकिन इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और बॉडी को रिकॉम्पोजिशन करना चाहिए, दैट विल बी बेस्ट फॉर हिम। बट लेकिन आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो बहुत स्किनी हो और ऑलरेडी थोड़ी मस्कुलर शेप है आपकी, हर जगह पे आपके ओवर कोई फैट नहीं है, पेट बाहर निकला हुआ या आपके कंधे ऐसा कुछ ढीला नहीं है, ठीक है, दोज इंडिविजुअल्स कैन गो फॉर मास गेनर, दैट्स वन प्रैक्टिकल थिंग। और तब जब वो खाना सही से खा रहे हैं, ऑब्वियसली खाना खाने के बाद भी, सारी कुछ करने के बाद भी फिर भी कैलोरीज पूरा नहीं कर पाते, कोई ऐसी जॉब में है, ऐसे काम में है, बहुत चलते हैं, बहुत मैनुअल हार्डवर्क है, तो यस फूड से नहीं हो पाता, दैट्स प्रैक्टिकल अप्रोच। यस यू कैन यूज मास गेनर फॉर अ वाइल, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मास गेनर आर वेस्ट ऑफ मनी। नाउ मेरे पास यहाँ पे कोई मास गेनर की स्पॉन्सरशिप नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये मास गेनर आपको दिखा रहा हूँ, नो, दैट्स द अल्टीमेट रियलिटी। ओके, गेनर कैसे खाना है, बिग बाइसेप्स, कार्डियो नहीं लगाना है, बिग बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स भाई, बिग बाइसेप्स चाहिए तुझे, बस बिग बाइसेप्स। गेनर कैसे खाना है, कार्डियो नहीं लगाना है, यस अभी भी बहुत लोग ये समझते हैं कि कार्डियो, डरते रहते हैं कार्डियो करूँगा मसल लॉस हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम था से 10 साल पहले 20 साल पहले लोग ओवर कार्डियो करते थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे 2022 में हम पहुँच चुके हैं, लोगों को पता लग गया है कि कार्डियो ज़्यादा नहीं करना है, वेट ट्रेनिंग से उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छी शेप में आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कार्डियो कम्प्लीटली अव�इड कर देना है, कार्डियो यू कैन डू इट, यस हफ्ते में 3 सेशन रखो, 4 सेशन रखो, इवन 5 सेशन रखो, लेकिन कीप इट शॉर्ट, राइट, से 30 मिनट्स, और डिपेंड करेगा बाकी आप कितना फैट लॉस करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, या 20 मिनट का सेशन भी रख सकते हो, ठीक है। बच्चों से बड़ों तक बिग बाइसेप, कैसा है ये पागलपन, बिग बाइसेप, एवरीबॉडी वांट्स साइज, बिग बाइसेप, 16 to 21, बिग बाइसेप, दिन हो या रात हो, बिग बाइसेप।
everybody wants size 16 to 21. Now, one thing in this, जो अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से कम है, जो कि ज़्यादातर इंडियंस की होती है, ठीक है, मेजोरिटी इन्हीं में आ जाएगी, 5 फुट 10 इंच से कम, 5 फुट 5, 5 फुट 4, 5 फुट 6, 7, मेल्स की बात कर रहा हूँ, तो लिसन टू दिस, आपका बाइसेप्स अगर 16 इंच का है तो यू विल लुक रियली अ बफ्ड अप गाय एट जिम. मतलब 16 इंच का बाइसेप्स है और साथ में 32 इंच की वेस्ट भी है, ये कंडीशन है. ये नहीं कि 16 इंच का बाइसेप्स है उसके साथ 36 की वेस्ट है. गेटिंग माई पॉइंट? प्रपोर्शन में हो, 16 इंच का बाइसेप्स है, 32 की वेस्ट है, यू लुक अमेजिंग. मतलब टिपिकल आप चलते हो तो लोग आपको बोलेंगे कि ये बंदा जिम जाता होगा, जिम बफ है, मॉडल लुक है, ये वो, राइट. 15 का भी है, 15 का भी डिसेंट होता है इस हाइट के नीचे. 5, अगर इनफैक्ट आप 5 फुट 5 के हो, 6 के हो, तो आपके ऊपर 15 इंच भी बहुत ह्यूज लगता है. हाइट के अकॉर्डिंग होता है ना सब. शॉर्ट बॉडी बिल्डर्स पे छोटा कम साइज भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है. तो एज ए नेचुरल भी आपको 16, 16.5 तक गोल रखना चाहिए, ठीक है. अनलेस यू आर अ प्रो बॉडी, यू वॉन्ट टू बी अ प्रो बॉडी बिल्डर और मेन्स फिजिक एथलीट, उनके ज्यादा जाते हैं, 17 प्लस भी जा सकते हैं. ग्रुप में यही बात हो, बिग बाइसेप्स बैक विद बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स या बाइसेप ट्राइसेप साथ हो, बिग बाइसेप्स. गोरा हो या काला हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे शहर वाला हो, या चाहे गांव वाला हो. दिस इज फनी. गोरा हो या काला हो, चाहे पैसे वाला हो या चाहे शहर वाला हो, सबको चाहिए बिग बाइसेप्स. उसमें वो गाना हो गया, मुझे सलमान खान का गाना याद आ गया, चाहे गोरी हो या काली हो, बिग बाइसेप्स भाई, बिग बाइसेप्स, चाहिए सभी को बिग बाइसेप्स. थोड़ी सी मुझे ये ट्यून वो वाइब दे रही है. यहाँ पे भी लिखा जा रहा है डाइट 80%, एक्सरसाइज 20%, कुछ पोस्टर्स में लिखा होता है डाइट 70%, एक्सरसाइज 30%, कुछ में 50-50, बट द ट्रुथ इज जितना अपना एफर्ट दे सकते हो दोनों चीज़ों में दो ना यार, क्या परसेंटेज के पीछे पड़े हो, 60%, 40%, 70%, 30%, क्या है? नो, जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू गिव 100% इन बोथ, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अ जिम फ्रीक. Just give your best. That's all it matters. Yes, diet matters more than the exercise, because sirf diet ke base pe bhi aap fat lose kar sakte ho. Theek hai? 16 inch ka paoge, big bicep. Tension mein fasaoge, big bicep. Logon ko bataoge. Yahan bhi wahi baat aa gayi, 16 inch ka paoge. Main bola tha ki 16 inch biceps is really a great number. So, jin logon ke dimag Punjabi ch kehne utre hue zyada, 18 inch, 19 inch karna. ठीक है, 16 इंच कर लो विद 32 इंच वेस्ट, यू विल लुक अमेजिंग. बिग बाइसेप्स भाई, बिग बाइसेप्स बन जाएगा, बिग बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स, बन जाएगा बिग बाइसेप्स. चलो जी, गाना ख़त्म और डाइट चार्ट भी मिल गया उन लोगों को, लेकिन फीस देनी वो भूल गए शायद, फ़ोन करके उनको बोल देना कि फ़ीस दे दो. ऑलराइट, ओके, ओवरऑल एक अच्छा मैसेज है गाने में कि सिर्फ बिग बाइसेप्स के पीछे मत भागो और एनाबॉलिक्स ना लो. ऑब्वियसली गुरुमान हैज़ बीन सेइंग दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ही डज नॉट प्रमोट एनाबॉलिक्स. इट वॉज़ फन एंड कोई इसमें हेट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट रिएक्शन. एंड वन मोर थिंग इज लेफ्ट, मैंने मास्टर ट्रेनर के बारे में बात की थी. हाँ, तो मास्टर ट्रेनर का जो कॉन्सेप्ट है, जो सर्टिफिकेशन वाली एकेडमीज होती हैं, वो सिर्फ आपको एक कोर्स भेज के खुश नहीं होती, वो प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो चाहती है कि आपको और कोर्स भेजे जाएँ. ठीक है, तो जब आप पर्सनल ट्रेनर बन जाते हो, उसके बाद वो एक और लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कुछ अकेडमीज ऐसा करती हैं, और कुछ अकेडमी ट्रेनर के बाद मास्टर ट्रेनर, फिर मास्टर ट्रेनर लेवल 1, लेवल 2 ऐसा करती हैं.
मेरे हिसाब से इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है कि कोई मास्टर ट्रेनर जैसी कोई टर्म नहीं होती, ऐसे कि सेलिब्रिटी ट्रेनर जैसी कोई टर्म नहीं होती, ये अकेडमीज द्वारा बनाई गई टर्म्स हैं। और जो न्यू लोग हैं वो इसमें, जिनको ज़्यादा फिटनेस में टाइम नहीं हुआ है, वो फंस जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, इसका एक पहलू है कि आपको और नॉलेज होगी लेवल वन पे, लेवल टू पे एडवांस लेवल बातें आएंगी, लेवल थ्री पे और बातें आएंगी। लेकिन इसकी जो क्रिटिसिज्म में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि आपने बेसिक कोर्स किया, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आया, आपको कई साल लगाए, तो यू आर अ मास्टर ट्रेनर योरसेल्फ, ठीक है, और आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो कि अपनी नॉलेज अपग्रेड करते रहो, राइट? सो दिस इज़ द थिंग अबाउट इट। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि लड़कों को साल दो साल भी नहीं हुआ होता जिम में टाइम स्पेंड किए, वो खुद को मास्टर ट्रेनर या कोच लिखने लग जाते हैं, उनको पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो। That's about it. Hope you enjoyed this video. It's Damaskin signing off. Bye bye.